मुंबई से सुनील सिंह जुड़ गए हैं, नॉर्थ वेस्ट मुंबई में मौजूद हैं सुनील। और महाराष्ट्र की वीआईपी सीट है मुंबई उत्तर पर, बीजेपी के पीयूष गोयल हैं। और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट भी बहुत चर्चा में रही सुनील, यहां से भी हाई प्रोफाइल वकील उज्ज्वल निकम को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो इन दो, पूनम महाजन का टिकट भी कटा, इस सीट पे काफी नजर है सुनील सिंह, वहां पर क्या हाल चाल है? बिल्कुल, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट बन गई है जब से उज्ज्वल निकम जो विशेष सरकारी वकील हैं उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो मैं सुबह जरूर उत्तर पश्चिम मुंबई में था, पहाड़ी स्कूल है गोरेगांव में, और लोगों की काफ़ी भीड़ थी सुबह ही। मैंने देखा 6:30 बजे से ही, 7 बजे से मतदान शुरू होना था, लेकिन 6:30 बजे से ही वहाँ पर लोग कतार में आ गए। तो सबसे पहला नंबर लगाया था पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राम नाईक ने, और आधा घंटा कतार में खड़े रहने के बाद जाके उन्होंने वोटिंग की थी, जबकि उनकी उम्र हो चुकी है 90 साल की। हमेशा वो पहला ही वोट डालते हैं। इस समय मैं विले पार्ले आ चुका हूँ और विले पार्ले के मतदान केंद्र पर हूँ। कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े वो वोट देकर गए हैं। जो यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के उज्ज्वल निकम, वो भी आए थे यहाँ पर देखने के लिए किस तरह से मतदान हो रहा है। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भीड़ आप देखिए कि किस तरह से लोग हैं, और यहाँ पर लगातार ये आवाजाही लोगों की लगी हुई है। लगभग लगभग आधा से पौना घंटा लोगों को लग रहा है अपना नंबर आने में, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उतर कर आए हैं। एक महिला मुझे मिली, वृंदा कामत, वो तो पुणे से यहाँ पर आई थी, वो पुणे शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन उनका वोट जो है अभी भी यहाँ है। तो वो यहाँ पर वोट डालने के लिए अपने दो सहेलियों को साथ में लेकर आई थी, और उनका यही कहना था कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, एक एक वोट की कीमत है। तो इसीलिए मैं, किसी ने मुझे बुलाया नहीं बल्कि मैं खुद होकर आई हूँ और मैंने अपना यहाँ के मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो आप ऐसे देखेंगी तो बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, विकलांग हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने परिजनों के साथ, और लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पूरे मुंबई की ओवरऑल की अगर हम बात करें, जो आज 13 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, तो 11 बजे का तक का जो आंकड़ा आया है वो तकरीबन 15 से 16-17 तक आया है। देखिए, एक बुजुर्ग हैं मैं, चूँकि वहाँ तक पुलिस रोकती है, जाने नहीं देती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि शायद अगर वो बात करें तो उनसे मैं ये बात करने की कोशिश करता हूँ। काका, एक मिनट हम बात कर सकते हैं? आपका नाम बात कर सकते हैं? क्या आप वोट देने आए थे? उम्र? हाँ, वोट देने। क्या सोच के आज आप यहाँ पर, इतनी धूप है, इस समय भी यहाँ पर आए, किस तरह का अधिकार का इस्तेमाल किया आपने? हो जाएगा, पॉजिटिव काम है। घर वाले लेकर आए, अपनी इच्छा से आप खुद होकर आए यहाँ? नहीं, घर वाले भी आए, हमारा खुद है, पहचानते है कि पार्टी को, सबको पहचानते है बराबर। चुनाव आयोग ने इस बार व्यवस्था की थी, घर पे भी आके वोट दे रहे थे 80 साल के ऊपर वालों का, तो आपने घर पे वोट नहीं दिया, आप यहाँ पर आए? खुद वांटेड टू डू इट पर्सनली, या तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर में बैठे अभी भी निकल नहीं रहे? ठीक है, डूइंग इट एनीवे, आई एम एक्सरसाइजिंग माय राइट, दैट्स ऑल, थैंक यू। देखिए, ये है कि अपने सुनील इस बातचीत के लिए कि आकर पर्सनली वोट करना चाह रहे थे, महत्वपूर्ण है। अब रौनक कुकड़े के पास चलते हैं, ठाणे में मौजूद हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। रौनक, वहाँ पे किस तरह की स्थिति इस समय, वोटिंग परसेंटेज कैसा देख रहे हैं? जी देखिए निधि, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, मैं ठाणे के वृंदावन इलाके में मौजूद हूं, और यहां पर जो पोलिंग बूथ है, जगह जगह पर जो है वो भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है, और लंबी कतारें सुबह से ही हम ठाणे के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे। थोड़ी देर पहले हम किशन नगर इलाके में थे जहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदान किया, और अब ये वृंदावन सोसाइटी का इलाका है। आप देख सकते हैं कि हर बूथ पर लोगों की यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन गर्मी बड़े पैमाने पर यहाँ देख रही को मिल रही है, उमस बहुत है, और लोगों को काफी देर तक रुकना भी पड़ रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, क्या नाम है और इस बार क्या मुद्दे हैं और कितनी देर से लाइन में खड़े? मेरा नाम गौरी है, अभी मैं लास्ट 15 मिनट से यहाँ पर बैठी हूँ। गर्मी क्या बहुत है? गर्मी तो बहुत है यहाँ पर, अच्छी अरेंजमेंट की है कि एटलीस्ट बैठने को तो मिल रहा है शेड के अंदर। क्या नाम है और क्या इस बार सोच के मतदान कर रही है? मेरा नाम नेहा है, और मोदी जी को
नहीं, आप ये मत बताइए किसको, ये बताइए कि क्या आपके मुद्दे हैं और क्या वाकई में आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है या होना चाहिए? यस, बदलाव तो बहुत हुआ है और आगे बहुत बदलाव होगा अगर हम सही लोगों को चुन के लाएंगे। मैडम आपका क्या नाम है? पुष्पा खानविलकर। अच्छा, ये बताइए कि कितनी देर से आप यहाँ पर है? आधा घंटे से यहाँ पे। अच्छा, गर्मी बहुत है। अच्छा लग रहा है, इलेक्शन मतदान कर रहे हैं। आप भी सुबह सुबह क्या मतदान करने के लिए आए? गर्मी का परिणाम लग रहा है? हाँ, वो तो है ही ना। गर्मी, हाँ, गर्मी तो बहुत ही है। जी देखिए निधि, निश्चित तौर पर ये देख सकते हैं कि जी देख सकते हैं कि गर्मी का परिणाम तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर भी है। शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ठाणे की सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए प्रतिष्ठा की बन गई है। जी,